जम्मू कश्मीर के बडगाम में वायुसेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव को राहत टीम ने Mi-17 हेलीकॉप्टर के मलबे से बाहर निकाला। हादसे का शिकार हुआ Mi-17 हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया और उसके मलबे से लपटों के साथ धुआं उठने लगा। ये क्रैश हुआ है एयरक्राफ्ट, और अभी भी यहाँ पे आर्मी पुलिस लगी हुई है, अभी बॉडीज को रिकवर किया गया। इस हादसे के बाद सबसे पहले आसपास के लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। अभी यहां पे फायर सर्विस की टीम आई है और अभी यहां आग बुझाने की कोशिश की जाएगी पहले, और कुछ एक्सप्लोसिव तो नहीं है उसको भी हटाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ही आगे ये डेब्री जो है इसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फायर ब्रिगेड को राहत का काम शुरू करने से पहले थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हादसे के फौरन बाद घटना वाली जगह पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको पीछे हटाने में वहां मौजूद सुरक्षा बल को काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि इसके बाद भी लोग वहां से नहीं गए। हादसे का शिकार हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर के कई छोटे बड़े टुकड़े घटना वाली जगह पर इधर उधर बिखरे दिखाई दिए, जिनमें एक टुकड़ा News 18 के हाथ भी लगा। हैंडल जैसा लग रहा है एयरक्राफ्ट का, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी ये देख सकते हैं आप, लोग काफी जमा हुए हैं इर्द गिर्द और इस वक्त काफी अफरा तफरी है। इस हादसे के चश्मदीदों ने News 18 से बातचीत में घटना वाली जगह पर धमाका होने का दावा भी किया। उस टाइम धमाका हुआ यहाँ पे, हाँ यही हमने सुना। तो उसके बाद आप यहाँ पे आए और ये जल रहा था। हाँ ये जल रहा था। कितने धमाके हुए? दो। बताया गया कि हादसे का शिकार हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर ने श्रीनगर के एयरबेस से उड़ान भरी थी, जो सीमा पर गश्त कर रहा था, तभी वो क्रैश हो गया। वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए। वहीं हादसे के बाद एयरफोर्स का एक और हेलीकॉप्टर वहां पर घटना की जानकारी लेने पहुंचा। हेलीकॉप्टर इस वक्त भी इस स्पॉट का जायजा ले रही है, अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शायद डिटेल्स आ सकती हैं। हादसे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी घटना वाली जगह पर पहुंचे। करीबन सुबह 10 बजे कुछ हम लोगों को यहाँ आवाज आया था, तो पुलिस पार्टी यहाँ पे रश करी, तो यहाँ पे देखा एक जो है कोई ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे गिरा हुआ था। तो उसके बाद कंसर्न पैरामिलिट्री और आसपास एयर यूनिट्स को भी इतला दी गई थी, और अभी उनकी जो है जांच अभी इस मौके पे चल रही है। हाल के दिनों में वायुसेना के कई विमान हादसे का शिकार हो चुके हैं।